आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको ईमेल आईडी से किसी को भी मैसेज या फोटो या इमोजेस या कुछ भी सेंड करना नहीं आता, वीडियो वगैरह सेंड करना नहीं आता है ईमेल आईडी से। मैं आपको इस वीडियो में वो प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप ईमेल आईडी से दुनिया में कहीं भी किसी को भी आप जो है ईमेल कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। मैं आपको बहुत ही इजी तरीका से किसी भी पर्सन को ईमेल करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप जो है किसी भी पर्सन को कैसे ईमेल सेंड करेंगे। अगर आपको फोटो भेजना है, वीडियो भेजना है, ईमेल्स भेजना है, फाइल भेजना है, मतलब कहने का मतलब है कि आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में जो भी है, अगर आप किसी भी पर्सन को भेजना चाहते हैं, मेल सेंड करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे सेंड करेंगे, मैं आपको बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है ईमेल सेंड करना नहीं आता है, किसी को तो पता भी नहीं होता है कि ईमेल क्या होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो ईमेल तो बना लेते हैं लेकिन ईमेल से किसी को भी मैसेज, फोटो, वीडियो या फाइल या इमोजेस कुछ भी सेंड करना नहीं आता है। मैं आपको इस वीडियो में वो पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी पर्सन को दुनिया में कहीं भी आप किस तरीके से किसी भी पर्सन को कैसे ईमेल सेंड करेंगे। तो इस वीडियो को भैया आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से किसी भी पर्सन को फोटो, वीडियो, फाइल, इमोजेस या टाइपिंग करके कुछ लिख के कैसे किसी को सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ईमेल से किसी को भी फोटो और मैसेज कैसे आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि ईमेल कीजिए तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप कोई ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग करना है ईमेल। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बोला जाएगा ईमेल लॉगिन, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जीमेल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ जीमेल वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कि आपका जो है ईमेल यहाँ पर ओपन होकर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो है यहाँ पे ईमेल जो है यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका पिक आ चुका है, पिक वाले पे क्लिक कीजिएगा, जो भी अकाउंट रहेगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। चलिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप किसी को भी फोटो और किस तरीके से किसी को भी मैसेज आप कैसे टाइपिंग करके किसी को कैसे सेंड करेंगे। तो यहाँ प्लस वाला आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कंपोज लिख रखा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे टू वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। आप जिसको भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसका जो है यहाँ पे आप जो है ईमेल आईडी उसका डालेंगे, डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए मैं ईमेल जो है डाल दिया हूँ जिसको मैं मैसेज करना चाहता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट में आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हो, जैसे मैं हेलो इस तरीके से, उसको जो ऊपर में हेडलाइन में यही हेलो शो होगा। अब आपको क्या उसको बोलना है, क्या उसको कहना है, वो आप यहाँ पे डिटेल्स में आप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे जो है मैसेज लिख दिया है। इस तरीके से आपको जितना भी वर्ड में लिखना है यहाँ पे आप भर भर के आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे से आप फोटो, वीडियो कुछ भी आप इसको भेज सकते हैं। चलिए हम यहाँ डेस्कटॉप पर चूज करेंगे। डेस्कटॉप पर चूज करने के बाद यहाँ पर एक फोटो है, मैं फोटो को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए फोटो यहाँ पर आपका आ रहा है, और ये आपको नेट पर डिपेंड करता है कितना जल्दी आपको फोटो यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए फोटो यहाँ पर आपका आ चुका है। अगर आपको और भी कुछ भेजना है, जैसे इमेजेस भेजना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा इमेजेस वाले पे, और आपको जो ही भेजना है इस तरीके से जो है आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो है मैसेज में यहाँ पे आपको इंटर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इंसर्ट लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए इंसर्ट फाइल, अगर फाइल वगैरह भी भेजना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको आपको आया था फोटो का, अगर फोटो भेजना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, और जहाँ भी आप फोटो रख रखे हैं आपको फोटो को इस तरीके से है फोटो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंसर्ट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका फोटो यहाँ पे आ रहा है। ये आपके नेट पर डिपेंड करेगा कि आपका फोटो जो है कितना देर में आपको यहाँ पे आया था। इसी तरीके से इस ऑप्शन को जो है आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पे हम दे चुके हैं तो सिंपली यहाँ सेंड वाले पे क्लिक कीजिएगा। इसे सेंड वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेंडिंग का ऑप्शन लिखा के आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे सेंड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसको वापस लाए तो तुरंत यहाँ पे आप जो अनडू करके इसको वापस ला सकते हैं। इसको भेजे हैं तो वो जो है आपको कहाँ शो कर रहा है वो देखने के लिए सेंड वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करना है।
इसी पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप जो है इस आदमी को यहाँ पर भेज रखे हैं और ये सब जो भेजे हैं तो इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं कि आप जो है इस पर्सन को क्या सब भेजे हैं। तो यहाँ पर देखिए फोटो भेजे हैं हम और ये भेजे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो है आपको डबल क्लिक वाला जो है जो ये मेल ट्रैक सेटिंग जो आप कर रखे हुए हैं, तो आप जैसे ही पर्सन जो रिसीव करेगा तो यहाँ पे आपको यह डबल टिक लग जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक सिंगल लगा हुआ है और जैसे ही रिसीव करेगा तो यहाँ पर दिख रही है कि व्हाइट है, ये भी आपको ग्रीन हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं व्हाइट है नीचे, तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डबल ग्रीन हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा ये जो है आपका मैसेज जो है वो रीड कर चुका है, पढ़ चुका है। सो गाइस इस तरीके से जो बहुत ही आसानी से आप ईमेल से किसी भी पर्सन को फोटो या आप कुछ भी टाइपिंग करके आप जो है बहुत ही इजी तरीके से भेज सकते हैं दुनिया में कहीं भी। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपने इस वीडियो में ये तो सीख ही लिया होगा किस तरीके से किसी भी पर्सन को दुनिया में कहीं भी कैसे फ़ोटो वीडियो फाइल इमेज कैसे या कुछ भी लिख के आप कैसे किसी भी पर्सन को कहीं भी दुनिया में कैसे सेंड करेंगे और उसको आप कहाँ चेक करेंगे कि गया है या नहीं गया, चला गया है तो कैसे आप ये चेक कर पाएंगे कि मेरे मैसेज को रीड कर लिया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।